अज राजपुरा दे विच कांग्रेस पार्टी दे पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा फड़िंग ने दो मीटिंगां नूं संबोधन कीता जिस दे विच हलका राजपुरा ते हलका घनौर दीआं दो मीटिंगां नूं संबोधन करदिआं होइआं 11 जनवरी नूं पंजाब पहुंच रही कांग्रेस राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा दे संबंध दे विच वर्करां नूं लामबंद कीता अते उन्हां कहा कि अज सूबे दे विच कांग्रेस पार्टी दी सरकार नहीं है तां कांग्रेस पार्टी दी बदौलत बने कौंसलर जिला परिषद मैंबर सरपंच आदि पार्टी नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो रहे ने वर्करां नूं खरियां खरियां सुणाउंदे होए उन्हां कहा कि अज मुश्किल दे समें दे विच तुसीं पार्टी छड्ड रहे हो ना तां तुहाडा आम आदमी पार्टी दे विच कोई मुल पैणा ते ना ही कांग्रेस पार्टी दे विच इस मौके राजा फड़िंग ने साबका विधायक हरदयाल सिंह कंबोज की गैर मौजूदगी दे विच राजपुरा दे कांग्रेस आगुआं ते वर्करां दी भारत जोड़ो यात्रा दे लई ड्यूटियां लगाईआं ने अते साबका विधायक कंबोज की गैर मौजूदगी दे विच पैसे दे लालच दे विच पार्टी छड्डण वाले कांग्रेसी कौंसलरां अते आगुआं नूं लांता पाउंदे होए कहा कि हर व्यक्ति दे जीवन दे विच चंगा माड़ा समां जरूर आउंदा रहिंदा है पर पार्टी दे नाल खड़े रहिण वालिआं दे बाद दे विच मुल पैंदे ने ते वड्डे अहुदे मिलदे ने इस मौके ते होर की कुछ कहना सी कांग्रेस पार्टी दे पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा फड़िंग दा सो सुणांदे आं उन्हां दी जुबानी ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। हाँ जी, अज मैं इत्थे मीटिंग कीती है राजपुरा दे विच एंड 11 तरीक रात नूं शाम नूं राहुल गांधी जी इत्थे आ रहे ने, पंजाब आ रहे ने। सो असी फिर 12 तरीक तो आपदा कार्यक्रम ते यात्रा शुरू करांगे। सो अज दी इस राजपुरा हल्के दे विच व्यौतबंदी करके कि किस तरह असी उन्हां दा स्वागत करदे हां, किहड़े किहड़े पिंडां चों किन्ने किन्ने बंदे आउणगे। सो लोगों बहुत उत्साह वेखन मिलिया अज राजपुरा दे विच। हालांकि हरदयाल कंबोज जी इत्थे नहीं हन, कुछ कारणां दे करके धक्केशाही कर रही है सरकार, जानबुझ के मुकदमे दर्ज किए गए उन्होंने झूठे, लेकिन इस दे बावजूद लोगों दे विच एक भारी उत्साह वेखन मिलिया और मैनू लगता है कि लोग होर ज़्यादा उतावले ने। उन्हां दी गैर हाजरी दे विच लोग के सिद्ध करनगे राजपुरे दे लोग कि असी आपदे लीडर नूं किन्ना प्यार करदे हैं, असी हरदयाल कंबोज जी नूं किन्ना प्यार करदे हैं। और मैनूं पूरन उम्मीद है सब तो भरमा जिहड़ा स्वागत है वह राजपुरा दे लोग करनगे। किथे करके करदे हाँ जी, इधर आ जाओ। स्वागत करना अलग अलग जिहड़े हलके आ उन्हां नूं अलग अलग जगह दित्ती जाएगी स्वागत करना। सर लगातार एमसी ने जिहड़ा तंग कीता जा रहा है, काफी एमसी जिहड़े ने आम आदमी पार्टी दे भी शामिल हो रहे ने, उस ते की कहना चाहोगे? देखो मेरी बेनती है कि जिहड़ा डर गया सो मर गया, सानू तकड़े होके सामना करना चाहिए। जिहड़ा एमसी मेरा भरा डरदा है हुण कल नूं किसे दी होर सरकार आ जाऊगी उह फिर उहनां नूं फेर डरा लूगा, फिर तां कई वारी तुहानूं आपदा ਇਹ ਆਪਦਾ ਧੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖੜੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਧਮਕਾਵੇ। ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਚਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪਿਰਤਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਾਜ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ।
न्यूज़ 89 पंजाब दे लई राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार दी खास रिपोर्ट।